ये है बरेली और आप देख रहे हैं बरेली बरेली नंबर वन चैनल। नमस्कार दोस्तों, आपकी बात कार्यक्रम में आपका एक बार फिर स्वागत है। आपकी बात में मिलवाते हैं हम आपको शहर की प्रमुख हस्तियों से, शख्सियतों से। अक्सर आपने पढ़ा होगा या लोगों के वक्तव्यों से सुना होगा कि गांव के एक व्यक्ति ने देश का या तो सर्वोच्च पद संभाल लिया है या उसने देश विदेश में अपने कामों से झंडे गाड़ दिए हैं, या वो एक ऐसे परिवार से था जो बहुत ही मामूली आर्थिक आय का था और उसने करोड़ों में अपनी जायदादें और करोड़ों में अपनी कमाई बनाना शुरू कर दी। ये सब लोग हम ही आपके बीच में से होते हैं जो धीरे धीरे शख्सियत बन जाते हैं। ऐसी ही एक शख्सियत से हम आपको मिलवा रहे हैं जिन्होंने एक गांव में जन्म लिया और गांव से शहरों में आए और उसके बाद उन्होंने प्रदेश के हिसाब से और देश के हिसाब से और विदेशों के हिसाब से अपना आकलन खुद करवाया और अपनी इनकम को भी करोड़ों में ले गए। एक मामूली आदमी से एक बड़ा आदमी बनने का सफर कैसे तय किया, आइए जानते हैं एनएस सोलंकी साहब से। सोलंकी जी आपका नमस्कार सर, बहुत स्वागत है। नमस्कार सर, जैसे कि बात हम लोग कर रहे थे कि आपका जन्म एक गांव में हुआ जी हाँ, और गांव के माहौल में ही आप रहे और सर, बड़ा मामूली परिवार रहा होगा बचपन से। बिल्कुल बिल्कुल, हमारे फादर पुलिस की नौकरी में थे, हम लोग बचपन में सब बहन भाई गाँव में ही रहते थे और गांव की एजुकेशन प्राइमरी स्कूल की एजुकेशन होती है भाई, पढ़े थे। बस उस छोटे से परिवार से मन में कुछ था जो उस गांव से और बाहर तक ले जाने का मन था, उसको जारी रखा और वहां की एजुकेशन, हालांकि देहात लेवल पे बहुत कम एजुकेशन होती है, फिर भी मन में ये था कि अच्छी एजुकेशन करें। बच्चों का मन रहता है कि बच्चे खेलते हैं कूदते हैं और ज़्यादा उनका विजन नहीं होता बहुत आगे ले जाने का। मैंने वहाँ एजुकेशन गांव लेवल पे ली और गांव पे पढ़ने के साथ साथ मेरे मन में ये था कि क्योंकि मुझे ऐसा लगता नहीं था कि मैं बहुत ज़्यादा एजुकेशन जो माहौल था उसको प्राप्त कर पाऊँगा, मगर मन ये था क्योंकि मेरी दोस्ती हमेशा अपने से 2-4-8 साल बड़े लोगों से रही, हमारे एज ग्रुप के कभी बच्चों से हमारी दोस्ती तो नहीं। विकास आपका उस तरीके से हुआ। यस, हम कभी भी अपने, आज भी हमारा जो लोगों से मित्रता है वो हमारे से सब 10 साल एज एक्स्ट्रा एज वाले हैं जी। तो अच्छा, एक बात बताइए कि जैसे आजकल का दौर है कि लोग इतनी इतनी हायर एजुकेशन ले रहे हैं, बहुत सारा पैसा एजुकेशन पे खर्च होता है, लेकिन उसके बाद भी नौकरियां नहीं है, तंगी है, बेरोजगारी है और विजन भी वहां तक नहीं आ पाता, तो आप एजुकेशन और विजन दृष्टिकोण में कितना फर्क महसूस करते हैं? एक्चुअली दोनों चीज़ों की अलग वैल्यू है। मैं मानता हूँ कि हायर एजुकेशन लेना एक बहुत अच्छी बात है, मगर ये सब परिवारों के लिए शायद मुमकिन नहीं होता है। मगर जिनको अगर ऐसा समझते हैं कि हम हायर एजुकेशन तक नहीं जा पाएंगे, तो मैं जहाँ तक समझता हूँ कि अपने आकलन को, अपने दिमाग को जिस तरफ बेटर कर सकते हो उसी समय उस काम को लगा देना चाहिए। मैंने अपनी 8वीं तक की पढ़ाई गांव में की, 9th और 10th करने का मुझे हापुड़ में मेरे भाई साहब पोस्टिंग थी, पुलिस में थे, उनके साथ में रहा। हाई स्कूल मैंने वहां से किया और साइंस साइड से किया और 95% नंबर मैंने लिए, मगर मुझे ऐसा लगता नहीं था कि मैं 11th और 12th रेगुलर कंडीशन में कर पाऊँगा, क्योंकि मुझे यहाँ घर की भी थोड़ी चिंता रहती थी, यहाँ पर भी मैं देखना चाहता था क्योंकि खेती में जब 11-12 साल यहाँ रहे तो थोड़ा सा लगाव था, मन में ये था कि कुछ करें, कुछ फैमिली कंडीशन ऐसी थी कि ये लगा कि कुछ करना चाहिए। मैंने पहली बार 14 साल की एज में मैं काम पे निकला और मैंने अपना काम स्टार्ट किया और सबसे पहले मुझे एनटीपीसी गाजियाबाद में काम चल रहा था, वहाँ एनटीपीसी बन रही थी, तो मेरा एक दोस्त वहाँ ले गया, बोले अगर कुछ करना ही है तो चलो चलते हैं, कहीं ना कहीं तो नौकरी थोड़ी बहुत मिल जाएगी। मैं वहाँ गया और मैंने वहाँ देखा, मुझे थोड़ी सी नौकरी कुल 800 रुपये पे वहाँ मिल गई, मैंने 2 महीने नौकरी की।
क्या नौकरी थी वो? नौकरी थी एक सुपरवाइजर, मैं एक कंपनी में था और मकान बन रहे थे। मकान भी क्या, बस इस्टेब्लिश हो रहा था वहाँ सब कुछ, तो क्वार्टर्स बनने थे, उसमें मुझे देखरेख करनी थी और लेबर की हाजिरी भरनी थी, वो मैं करता रहा। उसके बाद ही खबर आ गई कि बरेली में इफ्को लगने जा रही है। हमने देखा कि इफ्को तो हाई स्कूल वगैरह कर रहे हो? हाई स्कूल कर लिया था मैंने, एग्जाम दे दिया था और काम पे मैं पहुंचा। जब मुझे पता लगा कि बरेली में इफ्को का कंस्ट्रक्शन हो रहा है तो मैं घर आया। उस समय बाउंड्री वगैरह इफ्को की बननी स्टार्ट हो गई थी, मन में आया कि यहाँ तो घर बैठे इतना काम है। मगर हमें क्योंकि अनुभव बहुत ज़्यादा नहीं था, एक छोटी सी दो महीने की एक महीने की नौकरी थी। यहाँ कंपनियाँ आई, पेट्रॉन, ECC, इफकॉन्स, ये सब बड़ी बड़ी कंपनियाँ थी, उन पे हम गए, हमने लोगों से बात की, मगर एज इतनी थी कि कोई हमें बहुत ज़्यादा तवज्जो नहीं देता था। मगर टैलेंट था हमारे अंदर। एक कंपनी आई नीला कंस्ट्रक्शन करके थी, उसका ऑफिस बनना था, उनके हम PM से मिले, हमने अपना क्योंकि इंट्रोडक्शन दिया और बताया कि साहब हम कुछ काम करना चाहते हैं। बोले ऐसा भाई, हम लोग तो बाहर से आए हैं, हमारा ऑफिस कंस्ट्रक्शन कर दो, जिसमें हमारा ऑफिस रहेगा। उन्हें बहुत बड़े काम मिले थे। मैंने कहा साहब कितना पैसा दोगे? बोले भाई 9,000 रुपये हम आपको देंगे, जिसमें सामान आपको अपनी तरफ से बांस बल्ली ये सब लेके आना। साहब पहली कमाई थी उसमें हमें 2,000 रुपये बचे। उस 2,000 से इफ्को की और कंपनियाँ आती गई और मैंने इफ्को में 3 साल लगातार काम किया। जब वहाँ प्रोडक्शन आ गया तो वहाँ काम बंद हो गए, मगर 3 साल में मैंने अच्छा खासा अनुभव गेन कर लिया था अपनी लाइन का। अच्छा कितना कमाया होगा आपने सर उस पीरियड में? मैंने मैक्सिमम 10-15-20 हज़ार रुपये मेरे पास रहे होंगे। गांव में रहते थे मगर 20,000 रुपये बहुत बड़ी कमाई थी, उसको ये मानते थे कि ये बहुत बड़ी रकम हमारे पास हो गई। मगर जैसे ही काम वहाँ ख़त्म हुआ तो हम फिर पैदल, हमारे पास कोई काम नहीं रहा। फिर मन में आया कि नहीं अब तो कुछ कर सकते हो, तो हम घर से जो था निकल गए और ये मन बनाया कि अब कहीं बाहर काम करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ तो बरेली में तो कोई पर्चा है नहीं। अच्छा एग्रीकल्चर भी आप कर रहे थे उस दौर में, आपके पास पुश्तैनी जमीन वगैरह थी? हाँ, थोड़ी हमारे पास जमीन थी। हमारे पास जो हम चार भाई थे, चारों भाइयों में मैक्सिमम 10-10 बीघे जगह हम लोग के नाम में पड़ रही थी, मगर उस समय से ही लगाव था खेती से। और आज हमारे पास हमारे नाम में कम से कम 60 बीघे जगह है, बाकी मिसेस के नाम है मेरी। मतलब हम तब से जो भी इनकम हुई उससे प्लस जो कंस्ट्रक्शन से और इनकम से पैसा निकाल सके एग्रीकल्चर को बढ़ावा देते रहे। और आज हमारे पास एग्रीकल्चर के सभी इक्विपमेंट हैं, ट्रैक्टर ट्रॉली से लेके थ्रेसर से लेके और ऐसे लेके जेड तक की जानकारी खेती की आज भी हम रखते हैं। क्या आप जब मौसम होते हैं जब उनकी बवाई कटाई होती है तो आप खुद? हाँ, मैं फिजिकली खुद जाता हूँ और मेरी पत्नी जो है उसमें हाथ बटाती है पूरा, क्योंकि मेरे इस समय बिजनेस कुछ ज़्यादा ही हो गए हैं। अब कंस्ट्रक्शन में मैं भी हूँ, हॉस्पिटल लाइन में मैं पार्टनर हूँ कैंट जनरल हॉस्पिटल में जी। इसके अलावा मेरी स्पाइसेस की अभी फैक्ट्री है परसाखेड़ा में, उसको देखता हूँ। इसके कंस्ट्रक्शन की अलग अलग टाइप की एक्टिविटी हैं, क्योंकि यहाँ पर डुप्लेक्स हाउसेस और मल्टी स्टोरी फ्लैट, इसके अलावा हम प्राइवेट भी वर्क करते हैं। एक्चुअली कई कंपनियाँ होती हैं जो एक लाइन में काम करती हैं, जैसे किसी ने काम स्टार्ट किया तो ठेकेदारी करी तो किसी कंपनी में कर ली। अच्छा इसके साथ आपने जब काम शुरू किया, एग्रीकल्चर से जुड़े रहे, आपने इफ्को में काम किया, उसके बाद आपने छोटे लेवल पर जो है लेबर रेट्स और मतलब लेबर को उस पर भेजना शुरू किया, तो ये क्या दौर था सर? उस समय एक्चुअली जब स्टार्टिंग किसी भी चीज़ की होती है तो दो चीज़ें होती हैं। आपने स्टार्ट किया था कि हायर एजुकेशन, या तो हम हायर एजुकेशन लेके आए होते तो उस जॉब लेवल से उसके काम को स्टार्ट करते। हम हाई स्कूल लेवल की एजुकेशन हमारे पास उस समय थी तो हमें छोटे लेवल से ही काम स्टार्ट करना था। तो जो बड़ी कंपनियां होती हैं, छोटे कॉन्ट्रैक्टर सब कॉन्ट्रैक्ट देती हैं जिसमें लेबर हमारी होती है, मटेरियल उनका होता है और एज पर ड्राइंग हमें बना के देना होता है। तो शुरू के स्टार्टिंग के दिनों में हमें उसी के अनुसार काम करना पड़ा और सब कॉन्ट्रैक्ट लेके हम काम करते। यानी कि जो आपने गाजियाबाद में नौकरी करी NTPC में, जो उसने आपको विजन दिया लेबर के बारे में, लेबर के बारे में, और इफ्को में काम किया तब भी आपको थोड़ा ख्याल पुख्ता हुआ और आपने उस दिशा में अपने कदम उससे थोड़ा सा हमें इनकम जनरेट। इसके बाद आप शुगर इंडस्ट्रीज में चले गए? हाँ, फिर मैंने आपको बताया कि जैसे ही यहाँ काम खत्म हुए तो मुझे बाहर जाना पड़ा। तो उसमें से एक कंपनी ऐसी थी जो गोला गोखरनाथ में बजाज हिंदुस्तान लिमिटेड में काम कर रही थी। सबसे पहला बाहर मेरा वो प्रोजेक्ट था, मैंने वहाँ काम स्टार्ट किया, मुझे रोड का काम मिला वहाँ और थोड़ा सा बिल्डिंग का भी काम मिल गया मुझे। दोनों काम वहाँ थे, उसी ग्रुप का काम पलिया में चल रहा था शुगर मिल में, तो
तो फिर मैंने पलिया में भी काम किया उसी ग्रुप का, फिर और मेरे देखा कि कैपेसिटी है इस लड़के के अंदर, तो उन्होंने मुझे बहेड़ी शुगर मिल में काम दे दिया। बहेड़ी शुगर मिल और ये तीनों शुगर मिल करते हुए मुझे 89 हो गई थी। 89 में मैं वहीं शुगर के क्वार्टर्स बना रहा था, तभी मुलाकात मेरी हुई मिस्टर राजगोयल हैं आर्किटेक्ट यहाँ, और वो बना रहे थे आरसी अग्रवाल हैं डॉक्टर बहेड़ी के, उनका नर्सिंग होम। जब उन्होंने देखा कि इतना बड़ा कॉन्ट्रैक्टर कोई यहाँ इतना बड़ा काम कर रहा है, तो वो मेरे पास आए कि आपने मेरा यार नर्सिंग होम का कंस्ट्रक्शन करना है। मैंने कहा बॉस हम तो प्राइवेट काम करते नहीं हैं, हम तो शुगर इंडस्ट्री के ही काम करते हैं। बोले नहीं आपको तो काम करना है। मैंने सोचा चलो, फिर हमारे लिए राजगोयल ने कहा कि क्योंकि आप बरेली से जुड़ जाओगे, बरेली के रहने वाले हो, अच्छा काम है कर दो बॉस। वो हमने पहला प्राइवेट सेक्टर का काम किया, गोयल साहब को हमारा काम बहुत पसंद आया, डॉक्टर आर सी अग्रवाल से आज भी हमारे ऐसे संबंध हैं कि हर महीने उनका फ़ोन आता है, पूरे पारिवारिक संबंध बन गए। और उस समय से आज तक प्राइवेट सेक्टर में तब से लेके अब तक काम कर रहे हैं, शुगर इंडस्ट्री मेरी मतलब ब्रेक हो गई। और इसी बीच में आपकी जो कंपनी आपने बनाई वो प्राइवेट हाँ नेचुरली एक्चुअली क्या था कि जो विजन था बड़ी कंपनियों को देखने का, क्योंकि काम किया मल्टीनेशनल कंपनियां थी, नेशनल कंपनियां थी, हमने तो बहुत छोटे से, मगर ये था कि प्राइवेट लिमिटेड क्या होता है, प्रोपार्टनरशिप क्या होती है, पार्टनरशिप फर्म क्या होती है, ये सब उनसे सीखा जी। सबसे पहले पार्टनरशिप फर्म बनाई हमने, उसमें एक पार्टनर को साथ लिया जौनपुर का था, उसने बहुत दिन काम कम किया हमारे साथ, वो अपना वहाँ चला गया, फिर हम अकेले हो गए, तो हमें फिर प्रोपार्टनरशिप में काम करना पड़ा। थोड़े दिन बाद ये लगा कि नहीं यार जी प्राइवेट लिमिटेड और लिमिटेड कंपनियों का भी कुछ है। तो इसमें जो हमें सबसे बड़ा ब्रेक मिला, मिस्टर निरंकार अग्रवाल सीए जो बरेली के हैं, उनके पास 92 में मैं पहली बार गया, प्रेस क्लब बना रहा था उपजा का, प्रेस क्लब में प्रेस क्लब की बिल्डिंग मैंने बनाई। उसी पीरियड में इनकम टैक्स और इनकी सबकी ज़रूरत महसूस होने लगी, क्योंकि काम थोड़े से बढ़ गए थे, 5 लाख रुपए का काम विद मटेरियल मुझे मिला था प्रेस क्लब बनाने का। तो मैं निरंकार अग्रवाल जी के यहाँ गया और उनसे मैंने पूछा, बोले ऐसा है कि अगर काम करने हैं तो प्रॉपर तरीके से नंबर एक और हर जगह रजिस्ट्रेशन करा के करना पड़ेगा, भाई लेबर रेट के काम कर रहे थे तो ऐसे ही चल रहा था, अब तुम बड़े कामों में एंट्री ले रहे हो, अब तुम्हें कुछ अच्छा करना पड़ेगा। उनकी आज तक इतनी गाइडलाइन है कि उनके पीरियड में काफ़ी दिन मैंने पार्टनरशिप की फर्म चलाई, प्रोपार्टनरशिप की चलाई, उसके बाद प्राइवेट लिमिटेड उन्होंने बनवाई, और उन्हीं के पीरियड में मुझे लिमिटेड कंपनी आज मैं चला रहा हूँ, ये उनकी गार्जियन जी हाँ। इस बीच में आपने वादीलाल की फैक्ट्री बनाई, इन्वर्टिस का पुराना वाला यूनिट बनाया, आपने सिलेक्शन पॉइंट टावर बनाया, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक बनाया और सिद्धि विनायक अस्पताल, इस तरह के कंस्ट्रक्शन आपने किए जी। आप धीरे धीरे जब बड़े काम लेते गए, आपको फील क्या होता रहा? एक्चुअली मैं आपको बताऊं, मुझे शुरू से ही अपनी लाइन का एक नशा है। जैसे मैं एक उदाहरण के तौर पर कहूंगा कि ताश खेलने वाले हर व्यक्ति को ये लगता है कि एक चाल और खेलने को मिल जाए, सामने वाला उठ रहा होता तो उसे बिठा लेता है कि एक और खेल लिया फिर चल रहे। अगर मुझे 3 दिन खाना ना दिया जाए और मैं अगर प्रोजेक्ट पर बैठा हूँ तो मुझे कोई गिल्ला सिकवा नहीं होगा, ये भूल जाता हूँ कि रोटी भी खाई है नहीं खाई है, इतना नशा है काम का। जितने बड़े काम मिलते चले गए, अच्छे काम मिलते गए, लोगों ने कामों को पसंद किया, और इवन हमें कभी आज तक ये महसूस नहीं हुआ कि हमें कामों को कहीं ढूंढने जाना पड़े, लोग बुला के हमें काम देते। इससे बिल्कुल मुख्तलिफ किस्म से आपने मसालों की फैक्ट्री एक लगाई जी, हाँ जी हाँ। तो ये मसालों की तरफ आप कैसे चले गए, कंस्ट्रक्शंस के और दूसरे काम? नहीं बिल्कुल सही है, हमारा एक ये था जब हम गाँव में थे और एग्रीकल्चर प्रोडक्ट पे हम कुछ काम करना, मतलब बचपन में एक ख्याल था कि कुछ ना कुछ खेती से कुछ तैयार किया जाए, मगर क्योंकि लाइन हमारी कंस्ट्रक्शन हो चुकी थी तो उसमें जाने का मन तो था। जब हम बाडीलाल आइसक्रीम फैक्ट्री बना रहे थे तो इंडस्ट्री एरिया में हमारी मुलाकात वहाँ के जो प्रोडक्शन इंचार्ज थे मिस्टर एन जे प्रकाश, आज वो पेप्सी में हैं और पेप्सी के 5 कंट्री के हेड हैं, हमारी उनसे मित्रता हुई, हमने उन्हें अपना विजन बताया कि बॉस कंस्ट्रक्शन लाइन में है मगर हम चाहते हैं कि कुछ ऐसा करना। बोले क्या करना चाहते हो? मैंने कहा मैं स्पाइसेस लाइन में आना चाहता हूँ, मन है मेरा। बोले बहुत अच्छी फील्ड है मगर यह है कि आप चला पाओगे? मैंने कहा मेरा मन है और शायद मैं चला भी लूँगा। बस स्टार्टिंग हुई, बॉस हमने एक पुरानी सिक यूनिट खरीदी UPSIDC से और उसको बनाया, मगर मन ये था कि कोई भी प्रोडक्ट बनाएंगे उसकी एक क्वालिटी और वैल्यू होनी चाहिए,
काम करने को तो मैं छोटे लेवल पे एक चक्की लगा के और उसको कर सकता था, मगर मैंने प्रॉपर मशीन, प्रॉपर पैकिंग, प्रॉपर क्वालिटी, प्योरिटी का, क्योंकि स्पाइसेस लाइन में बहुत महत्व है, मैंने अपना ब्रांड नेम ही प्योर रखा है। और अभी 2 साल हुई हैं मात्र, मेरा उत्तरांचल में पूरी सेल चल रही है, यूपी के काफ़ी डिस्ट्रिक्ट में है, बरेली में हर व्यक्ति जानता है। दैनिक जागरण से मिलके मैंने बहुत बड़ी एक स्कीम प्योर मसाले की चलाई थी, बहुत ज़्यादा लोगों ने पसंद किया, और इतना प्रोडक्ट को ऊपर ले जाने का मन है कि ये विदेशों तक जाए जाए मतलब मन ही है जी। दोस्तों, अगर आपको कहीं आगे जाना है तो सबसे पहले आपको अपना विजन और किस तरह की क्वालिटी आप देना चाहते हैं और किस तरह का क्वालिटी वर्क आप कर रहे हैं, ये होना बहुत ज़रूरी है। और इन्हें करने वाले लोग भी अपने तौर पे कितने साधारण हैं, उनके अपने शौक क्या हैं, उनकी अपनी दिनचर्या क्या है या उनके जीवन का मोटो क्या है, जानेंगे एक छोटे से कॉमर्शियल ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है आपकी बात में, और हम लोग मुखातिब हैं एनएस सोलंकी साहब से। चलिए, ये तो आपके बिजनेसेस और की बात हुई, या आपने किस तरह से काम किया, या आपको किस तरह का नशा रहता है, ये बात हुई, लेकिन आप ये बताइए कि आज तक आप धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़ते गए, आपने जिंदगी से क्या सीखा? सर, एक्चुअली मेरा एक लक्ष्य है, मैं जिस रास्ते में हूं ये मेरा एक बीच का रास्ता है। हर आदमी को अपना एक लक्ष्य जरूर निर्धारित करना चाहिए, और लक्ष्य है तभी आदमी ऊपर जा सकता है। लोग 1 लाख मिल जाते हैं सेटिस्फाई हो जाते हैं, लोग 2 लाख मिल जाते हैं सेटिस्फाई हो जाते हैं, या हो सकता है 50 लाख मिल जाए तो सेटिस्फाई हो जाए, मगर जिस आदमी का विजन जिस लेवल का है और वो वहाँ तक नहीं पहुँचा है तो अधूरा ही रहेगा और रास्ते का सफ़र कहलाएगा। अच्छा। मेरा विजन है अपनी कंस्ट्रक्शन लाइन में, मैं थोड़ा सा कहना चाहूँगा, कंस्ट्रक्शन लाइन को मैं नेशनल लेवल पे देखना चाहता हूँ, और ये बरेली में रहते हुए ये कहना चाहता हूँ कि ऐसी चीज़ बनाना चाहता हूँ कि जो लोग कहें कि कंस्ट्रक्शन लाइन में कुछ इम्प्रूवमेंट है, और उसके लिए मैं प्रयासरत हूँ। कंस्ट्रक्शन लाइन में बरेली में बहुत सारे लोग हैं, और बहुत सारे लोग बरेली से बाहर जाके भी और नेशनल लेवल पे भी काम कर रहे हैं, ऐसा क्या तसव्वुर आपके दिमाग में है जो कंस्ट्रक्शन लाइन का एक ताजमहल होगा? नहीं, बिल्कुल, एक्चुअली क्या है कि जिस लाइन में आदमी को महारत, मुझे इस लाइन में 20 से ऊपर साल हो चुके हैं, और मैं ये समझता हूँ कि किसी बड़े काम को करने के लिए 2 चीज़ों को बहुत सख्त आवश्यकता होती है, एक तो दृढ़ निश्चय प्लस पैसे की बहुत बड़ी अहम भूमिका होती है किसी बिजनेस को ऊपर ले जाने के लिए। बॉस, मैं लगातार प्रयास हूँ, मैं काम अपने करते चला जा रहा हूँ, मगर मैं ये समझता हूँ कि जिस तरीके से, मतलब उदाहरण लेना चाहिए हमेशा ऊपर वालों से कि कौन व्यक्ति किस तरीके से किस स्थिति में पहुंचा है। उदाहरण के तौर पर धीरू भाई अंबानी जी को ले लेते हैं, क्या संघर्ष रहा, उनकी किताब पढ़ के उनके बारे में सोच के मुझे बहुत अच्छा लगता है, इंस्पिरेशन मिली आपको? यस, मैं ये चाहता हूँ कि एनएस कंस्ट्रक्शन के पास हो सकता है इतने फंड अभी नहीं है, मगर 2006 चल रहा है, 2007 हम अपने पब्लिक की तैयारी कर रहे हैं, पाइपलाइन में है, वर्क हम स्टार्ट कर रहे हैं, और उम्मीद है कि हम उसमें खड़े उतरेंगे, और यदि हम उस लेवल पे पहुंच गए तो हमारे पास फंड भी होंगे। जिस इंसान को लगातार सफलताएं मिलती जाती हैं, देखिए बहुत सारे लोग, लंकी साहब ऐसी होगी, आपको सफलताएं मिली इसलिए आप सीढ़ियां चढ़ गए, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको 2 सीढ़ियां मिली और पता लगा उसके आगे सीढ़ियां ही नहीं। ऐसा नहीं है कि मेरे लाइफ में कोई स्टल नहीं आई है, कई बार ऐसे मौके आए हैं जिसमें मुझे निराशा हाथ लगी है, मगर निराशा के बावजूद आदमी को हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। इस पूरे 20 साल में कम से कम 4 बार ऐसे आए होंगे जो मुझे रिवर्स लगा है,
मगर रिवर्स के बावजूद मैंने कभी ये नहीं सोचा कि मुझे इससे पीछे हटना है। अच्छा, जब लगातार सफलताएं आपके हाथ लगती रहती हैं और आपकी कुछ नाकामियां जैसे आपने कहा उसके बाद भी सफलताएं हाथ लगती रहती हैं, आप ऊपर चढ़ते रहते हैं, तो कई बार इंसान के अंदर घमंड पैदा नहीं हो जाता? नहीं, एक्चुअली क्या है, मैंने आपको बताया कि जिसका विजन कुछ और हो, हमें तो मछली की आँख दिख रही है खौलते तेल में, हमें जहाँ जाना है वो रास्ता दिख रहा है, ये जो अभी के अचीवमेंट है ये तो बहुत बीच के हैं, ये तो अचीवमेंट ही नहीं है। आप एक विनम्र इंसान के तौर पर जाने जाते हैं और हर आदमी से लगभग आपका ऐसा ही रिश्ता रहता है, लेकिन कभी आप अपने दिल की तहों में अकेले में बैठते हो, गहराइयों में सोचते हो, या अपनी पत्नी से मुखातिब होते होंगे, तब आपको लगता नहीं होगा कि सोलंकी देखो तुमने क्या झंडे गाड़ दिए, सोलंकी देखो तुम क्या कर सकते हो, कभी ऐसा नहीं लगता? नहीं, ऐसा नहीं है। मैं आपको बताऊँ, मैं अकेले में ये जरूर सोचता हूँ कि जो तुमने लक्ष्य निर्धारित किया है उससे कैसे अचीव करोगे। और एक बात फैक्ट है कि मैं दिन की 24 घंटों में से 10 मिनट सोचने को अवश्य देता हूँ, क्योंकि जब आप किसी चीज़ को सोचेंगे तभी कोई चीज़ साकार हो सकती है। पत्नी का तो हमारे पूरे इसमें बहुत बड़ा सहयोग है, इतना बड़ा सहयोग है कि मैं जो कुछ भी करता हूँ, क्योंकि आदमी अगर घर से बाहर है बिजी है और घर में अगर संतुलन सही नहीं है तो आदमी काम नहीं कर सकता। पत्नी तो हमारी कंधे से कंधा मिला के हमारे साथ काम करती है जी। इवन मैंने बताया कि एग्रीकल्चर का पूरा काम संभालती हैं, मैं बाहर होता हूँ तो ऑफिस में भी संभालती हैं, जबकि हाउसवाइफ हैं वो, मगर पूरा काम संभालती हैं। चलिए, अगर आप अपनी पत्नी से कहते होंगे, नहीं कहते होंगे, लेकिन इंटरव्यू के माध्यम से कभी सुनेंगी तो उनको अच्छा लगेगा। अच्छा, ये ज़िंदगी है, ये दुनिया है, दुनिया में बहुत सारे लोग हैं, सफल आदमी से लोग जलन भी करते हैं, ईर्ष्या भी करते हैं, उसकी टांग भी खींचते हैं, और अच्छे लोग भी होते हैं जो आपको अच्छी राय देते हैं, आपकी तरक्कियां चाहते हैं। आपके ज़िंदगी से क्या अनुभव रहे हैं, लोगों से क्या अनुभव रहे हैं आपके? मैं आपको बताऊँ, मैं कंस्ट्रक्शन लाइन में हूँ, बरेली में मैं इतनी सालों से कंस्ट्रक्शन कर रहा हूँ। बड़ी बड़े ग्रुप हैं, सोपती वाले हैं, अलायंस वाले हैं, और बड़े कॉन्ट्रैक्टर और भी हैं, मैं सबको रेस्पेक्ट करता हूँ और मुझे सब प्रेम करते हैं। मैं जितना काम करता हूँ सबकी सलाह लेता हूँ उसमें कि बॉस हम सही कर रहे हैं। वो जब कहते हैं कि तुम्हारे काम की तारीफ सुनते हैं तो मुझे खुशी होती है कि हमारे बड़े हमारे काम को अप्रिशिएट कर रहे हैं। और हमें किसी से कोई किसी से हमारी आज तक अपनी फील्ड में मतलब किसी से टेंशन तो है ही नहीं, हम सबको अपने से बड़ा मानते हैं और वो हमें वैसा छोटा का सानिध्य देते हैं। ये अच्छी फिलॉसफी है आपकी, चीज़ों को रेगुलेट और चीज़ों को दुरुस्त रखने की। हम तो कहते हैं हमारे अंदर कोई कमी है तो उनसे सीखने को ही मिलता है। अच्छा, इतने सारे काम आपने फैला लिए हैं और भी बहुत सारे काम हैं आपके, कई प्रोजेक्ट्स और चलते रहते हैं, मैनेज कैसे करते हैं इन चीज़ों को? एक्चुअली मैनेज सब पेपर वर्किंग से होता है, सिस्टम से होता है, सभी साइड पर हमने सिस्टम ऐसा कर रखा है कि पेपर वर्किंग को स्ट्रॉन्ग किया हुआ है, सभी साइड इंचार्ज की जवाबदेही है, फैक्ट्री को चला रहे हैं तो वहाँ पर प्रोडक्शन मैनेजर को लगाया हुआ है, उसकी जवाबदेही है, पेपर के थ्रू सभी कामों को बांधा हुआ है। आपके पास एजुकेशन बहुत ज़्यादा नहीं है, आपके पास कोई टेक्निकल एजुकेशन भी नहीं है कि मतलब जिससे आपने कोई थ्योरेटिकल चीज़ें पढ़ी हों कि साहब ऐसे चीज़ों को, ऐसे खातों को, ऐसे चीज़ों को रखा जाता है, ये विज़न आपने कहाँ से लिया? बहुत शुरू में तो हमें वाकई सही है कि हमें ये नहीं पता था कि डेबिट और क्रेडिट क्या होता है, लेजर क्या होता है, पोस्टिंग क्या होती है, और ये सब चीज़ें आज हमारे यहाँ टोटल सिस्टम कंप्यूटराइज है ऑफिस में, और मैं खुद भी कंप्यूटर चलाता हूँ। गॉड गिफ्टेड है कि मेरे पास जितने इंजीनियर्स हैं मैं टोटल बिलिंग कर लेता हूँ, सिविल का कोई भी काम मुझे आता है, या तो कौन सी दिमाग में पुरानी फिलॉसफी खुल गई है मुझे खुद नहीं पता, मैं सिविल का ए से लेकर जेड तक हर काम कर लेता हूँ। और अकाउंटिंग के मामले में बाकी तो सीए हैं, अकाउंटेंट भी हमने रखे हुए हैं, मगर अपना जो सेल्फ अनुभव है वो इतना है कि हम अपने कामों को सुचारू रूप से चला लेते हैं। अच्छा, आपके परिवार में आपकी पत्नी के अलावा और कौन कौन है? हमारी पत्नी और मैं हूँ, एक्चुअली बाकी भाई हैं हमारे, वो अलग रहते हैं, मदर फादर दोनों अखबारों के बच्चे नहीं है, बस कुछ प्रॉब्लम रही है मिसेस के साथ। अच्छा, तो अभी हम और वाइफ ही हैं। अच्छा, अच्छा। और दोनों मिलके ही सब चीज़ें मैनेज करते हैं। अच्छा। मन ये है कि बॉस लोग कई बार मेरे से, एक बात आपने क्योंकि पूछ ली तो बताता हूँ, माफ कीजिएगा मुझे नहीं, नहीं, कोई बात नहीं है ये। हाँ। मतलब एक अच्छा वो है, कहते हैं इतना सब कुछ क्यों कर रहे हो,
क्योंकि तुम्हारे लिए तो बहुत सफिशिएंट हो गया है। क्या जरूरी है कि आदमी अपने लिए ही काम करे? हम ये कहते हैं अपने आप से। मैं समझता हूँ कि आज मैं अगर काम करना छोड़ दूँ तो मेरी और मेरी पत्नी की जीवन भर खाने के लिए पैसा मैंने अर्न कर लिया है, मगर मैं जो पैसा करता हूँ पैदा, उसमें कुछ ये मान के चलता हूँ कुछ अच्छे लोगों के लिए रोज़गार मिल जाएगा, कुछ अच्छे लोगों के लिए मैं हेल्प कर पाऊँगा जिनको ज़रूरत है। और आज भी मैं ऐसे कितने काम करता रहता हूँ कि जो लोगों को, वो कहने से नहीं, मैं अपने मन में रखे हुए हूँ कि मैं कहाँ हेल्प करता हूँ। और इच्छा मेरी ये है कि बॉस इतने पैसे हो जाएं कि मैं तो सिंपल तरीके से ही रहता हूँ और करता हूँ कि लोगों को मैक्सिमम कर सकूँ जिनको ज़रूरत है पैसे। और इन सब कामों के बीच में आप अपनी सामाजिकता, सोशल को कैसे संभालते हैं? सर, सब चीज़ें ज़रूरी हैं लाइफ को चलाने के लिए। काम भी ज़रूरी है, प्लस सोशल होना भी ज़रूरी है। मैं गांव के हर दुख सुख में कोशिश करता हूँ कि मैं पहुँचूँ। यहाँ शहर का जो लोगों से मेलजोल है उसमें भी कोशिश करता हूँ कि मैं रहूँ और उनमें समय बढ़ चढ़ के भाग लूँ। और मैं रहा भी हूँ, व्यापार मंडल से भी अभी मैं जुड़ा हूँ, उसके कार्यक्रम में करता हूँ, रोटरी से भी जुड़ा हूँ, उसमें भी करता हूँ। लोगों को ये कि ऐसा नहीं कि अपने काम में लगे हैं और लोगों से मेलजोल नहीं है। अच्छा, काम के तनाव बहुत सारे होते हैं, उसमें पैसे का इन्वॉल्वमेंट होता है, उसमें लोगों का इन्वॉल्वमेंट होता है, धोखा देने वाली प्रवृत्तियों का भी इन्वॉल्वमेंट होता है, सुख भी आपको मिलते हैं, परेशानियां भी आपको उठानी पड़ती हैं। लेकिन आपके व्यवहार की जो एक बहुत खास चीज़ है वो है आपकी कूलनेस। आप बहुत ही शांत दिखाई देते हैं, कभी लोग कहते हैं कि आपको गुस्सा नहीं आता, तो इस पर नियंत्रण कैसे रखते हैं? ये बहुत बड़ी चीज़ है जिस पर नियंत्रण रखना मुश्किल होता है। बस ये बिल्कुल फैक्ट है कि हमारे साथ भी लोग आते हैं, कुछ लोगों ने धोखे भी दिए, कुछ परेशानियां भी आईं, मगर कुल मिला के एक्चुअली क्या है कि बस गुस्से से नुकसान हो सकता है, फायदा कभी नहीं हो सकता। हमेशा लेकिन ये तो एक प्रवृत्ति होती है, गुस्सा कोई चाहने से थोड़ी ना आता, गुस्सा तो अपने आप आ जाता है और वो व्यक्त हो जाता नहीं है। एक्चुअली क्या है कि उसके पीछे गुस्सा तो ऐसा नहीं हर व्यक्ति को आता है, मुझे भी आता है, मगर मैं गुस्सा आने से पहले ये सोचता हूँ कि इससे तो नुकसान ही होना, उससे फायदा तो होना नहीं है। उसको कोशिश ये करते हैं कि ऐसी नौबत नहीं आए, और जो काम खुशी खुशी हो जाए वो ज़्यादा बेटर है। वैसे ऐसी नौबत नहीं आने देते कि जहाँ कोई गुस्से वाली या टेंशन वाली कोई स्थिति आए। और मैं कभी ज़्यादा फिक्र यूँ नहीं करता कि जब आदमी के दिल में बीजन तो हो बड़े बनने का, और सोच हो वही जहाँ से स्टार्ट हुए हो कि ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, जहाँ से स्टार्ट किया वहीं पहुँच जाएंगे, वहाँ तो थे ही हम, मगर जिस लेवल पे पहुँच रहे हैं, इट मीन्स थोड़ा बहुत झटका लगता है तो उसे खुशी खुशी बर्दाश्त करते हैं और कोशिश करते हैं कि सब कुछ नॉर्मल है। अच्छा, इतनी सारी आपने चीज़ों में अपने आप को इन्वॉल्व कर रखा है, लेकिन इस लिस्ट में आपकी जो आपने अर्न किया है, जो ऊपर वाले ने आपको इतनी मदद दी है, आपकी एक ऐसी किस्मत, एक ऐसी ज़िंदगी भी लिखी है, आपने खुद भी मेहनत करी है, कुछ सोशल वेलफेयर का काम आप क्यों नहीं करते? सोशल वेलफेयर के लिए एक्चुअली क्या है बॉस, मेरा मन है कि मैं थोड़ा सा और अभी अपनी लाइन में काम करूं, मैंने बताया कुछ मेरे लक्ष्य हैं, उसके बाद सोशल लाइन में आऊंगा, और मुझे सक्रिय राजनीति में आने का भी मन है। नहीं, राजनीति सोशल होती है आजकल, तो देखिए राजनीति भी अपना ही जेब भरने के लिए। मैं इसलिए कह रहा हूं, राजनीति इसलिए कह रहा हूं कि एक प्लेटफॉर्म चाहिए होता है किसी काम को करने के लिए। आप कोई भी पैसा अर्न अपने पास से नहीं कर सकते, आज जितने भी नहीं, जैसे आपके पास आज इतना पैसा है, इतनी सब चीजें हैं, हर हिस्से में से अगर थोड़ा थोड़ा पैसा निकालें तो मेंटली रिटार्डेड बच्चों के लिए कुछ किया जा सकता है, या कोई और अंधों के लिए किया जा सकता है, गूंगे बहरों के लिए किया जा सकता है, जहां सरकार दे रही है, लेकिन उस मायने में वो नहीं लग रहा। बिल्कुल सही है, और इसी कड़ी में हमने जो कैंट जनरल हॉस्पिटल में पार्टनरशिप ली है वो इसी कड़ी का एक भाग है, जिसमें मैं कोई पैसा कमाने के उद्देश्य से नहीं जुड़ा हूँ। मैं जुड़ा हूँ कि मेरी कमाई में से भले ही लाख दो लाख रुपए उधर लगते रहे, मगर लोगों का भला होता रहे और वहाँ भला हो रहा है। मैं लोगों को पूरे क्षेत्र में कह रखा है कि कोई भी गरीब व्यक्ति है तो अगर उसको इलाज की ज़रूरत है तो मेरे पास आए, हॉस्पिटल की सब सुविधाएं इंक्लूडिंग दवा भी अगर मुझे देनी होती है तो मैं प्रोवाइड कराता हूं। और ऐसे कई केस की है। अच्छा सोलंकी साहब, आपके शौक क्या है काम मुझे के अलावा? सर, शौक मुझे है विदेश घूमने। अच्छा मतलब जो हकीकत है, और शौक है अपने काम को
मैं बता रहा हूँ कि मुझे सबसे ज़्यादा नशा तो अपने काम में है, और अगर शौक की बात कहेंगे तो मुझे लगता है कि मैं बाहर कुछ नया देख के आऊँ, यानी कि वहाँ से भी अपने विजन को आप ऊपर करते रहते हैं, वहाँ से कुछ देखने को मिले, कुछ सीखने को मिले। और इसमें मुझे दो बार बाहर जाने का मौका भी मिला है, और मैंने कोशिश की मेरा स्पाइसेस का वहाँ कॉन्टैक्ट हो पाए, मगर कई कंपनियों से मेरी बात चल रही है, वहाँ हो नहीं पाया है। मैं लगातार प्रयास कर रहा हूँ कि मुझे एक्सपोर्ट का, और एक्सपोर्ट लाइसेंस भी मैंने ले लिया है कि मैं वहाँ भेज पाऊँ कुछ माल, और हो सकता है जो आज माहौल चल रहा है कि हम लोग बाहर से जुड़ रहे हैं, तो हो सकता है कि हमारे ब्रांड को भी कुछ जगह मिले। अच्छा, आप अपनी ज़िंदगी से कितने सेटिस्फाइड हैं? ठीक है सर, हम तो कूल रहते हैं, और ज़िंदगी का वैसे तो देखो कोई आदमी सेटिस्फैक्शन तो आदमी के दिल से होता है, कभी भी किसी लेवल पे आदमी सेटिस्फाई नहीं हो सकता, और किसी भी लेवल पे सेटिस्फाई हो जाता है। हम हर दिन जो गुजार रहे हैं फुल सेटिस्फाइड हैं, क्योंकि हमने ये सोचा ही नहीं था कि जिस लेवल पर हम हैं कभी पहुँच पाएंगे। तो दोस्तों, अगर आप अपने विज़न के प्रति ईमानदार हैं, अगर आप अपने काम के प्रति ईमानदार हैं, और आपके शौक भी आपका विज़न को बढ़ाना और अपने काम को बढ़ाना है, फिर आपकी तरक्की कौन रोक सकता है। और जहां तक है सेटिस्फेक्शन का सवाल, तो लाइफ में सेटिस्फेक्शन मिलता है अपने अंदर सोचने से, ना कि बाहर ढूंढने से। आप काम करते जाइए, और जिस मुकाम तक आप, सोलंकी साहब ने जो कहा कि जिस मुकाम पर हम थे वो तो हमेशा ही हमारा रहेगा, अब कितनी सीढ़ियां हम चढ़ जाते हैं, कितनी यात्राएं हम कर जाते हैं, यही हमारा काम होगा, यही हमारा कर्म होगा, यही हमारा विज़न होगा। कहने का आशय ये था कि बहुत बड़ी बड़ी एजुकेशन, बहुत बड़े बड़े साइंटिफिक या टेक्निकल एजुकेशन लेकर हम कई बार खारिज से महसूस करते हैं। दोस्तों, घबराने की कोई बात नहीं है, इस तरह की शख्सियतें आपको हमेशा प्रेरणा देती रहेंगी। सोलंकी साहब, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने दर्शकों को अपने जीवन के बारे में और अपनी फिलॉसफी के बारे में, लाइफ के बारे में बताया। नहीं, मैं तो चाहता हूँ कि लोगों को इस टाइप का संदेश मिले और लोग आगे निकल के आएँ, क्योंकि आज भी लोग जब कहते हैं कि किसी व्यक्ति को बगैर पैसे के कुछ नहीं होता, उसका हम जीता जागता उदाहरण है। हमारे पास 10 रुपये भी नहीं थे और आज हम करोड़ों की बैलेंस शीट साइन करते हैं। दोस्तों, आपकी बात आपका अपना कार्यक्रम है, इस कार्यक्रम से जुड़िए। किस तरह की शख्सियतों को इसमें पाना चाहते हैं, हम तो देते ही रहते हैं आपको, अच्छे अच्छे लोगों से मिलवाते रहते हैं, लेकिन आप भी किन लोगों से मिलना चाहते हैं, हमें लिख भेज सकते हैं इस पते पर, कार्यक्रम आपकी बात, विश्वमान भवन, 103 सिविल लाइंस, हिंद सिनेमा के पीछे, बरेली। फोन 9359-111-0011। तो दोस्तों, अगले कार्यक्रम यानी अगली आपकी बात में हम आपसे फिर मिलेंगे किसी और नई शख्सियत के साथ, एक नए अनुभवों के साथ, एक नए संसार के साथ। तब तक के लिए मुझे विदा दें।